वीडियोस, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। खाली खट्टे डायलॉग अब मारते रहते, मुस्लिम कोटे पर ओबीसी का शाह पर पलटवार। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने रविवार को मुस्लिम कोटे पर दिए गए बयान पर गृह मंत्री अमित शाह जी को घेरा है। गृह मंत्री जी ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा सत्ता में आई तो मुस्लिमों को दिया जाने वाला आरक्षण खत्म किया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि भगवा पार्टी के पास तेलंगाना में मुस्लिमों खिलाफ हेट स्पीच देने के अलावा कोई विजन नहीं है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि भाजपा वाले तेलंगाना को सिर्फ फेक इनकाउंटर सर्जिकल स्ट्राइक कर्फ्यू अपराधियों की जेल से रिहाई और बुलडोजर दे सकते हैं। उन्होंने भाजपा से पूछा कि आप तेलंगाना के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। AIMIM नेता ने पूछा कब तक रोएंगे ओवैसी। ओवैसी का रोना उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह पर हमला करते हुए कहा, सर अमित शाह ये ओवैसी का रोना कब तक चलेगा। खाली खट्टे डायलॉग हम मारते रहते हैं, कभी महंगाई और बेरोजगारी पर भी बात करिए। तेलंगाना में देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ समुदाय के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समूह पसंदमानदा मुसलमानों तक पहुँचने की बात करते हैं, वही दूसरे तरफ शाह उनके आरक्षण को हटाने की बात करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, अगर शाह SC ST और OBC के लिए न्याय के प्रति गंभीर है तो उन्हें 50% आरक्षण सीमा को हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की पहल करनी चाहिए। शाह जी ने KCR पर लगाया था OBC के एजेंडे पर चलने का आरोप। बता दें कि भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह जी ने KCR पर भी OBC के एजेंडे पर चलने का आरोप लगाते हुए कहा था कि तेलंगाना सरकार OBC की पार्टी को खुश करने के लिए कश्मीरी का पूरा नक्शा भी नहीं दिखाती है। उन्होंने आगे दावा किया कि कार BRS का चुनाव चिन्ह का स्टीयरिंग मजलिस और OBC ही चलाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। 2024 में साथ मिलकर लड़ेंगे माविया संजय राउत। समझे कि शरद पवार क्या कहना चाहते हैं। तिन्ही पक्षाचे वरिष्ठ नेते उपस्थित राहत, मग पुणे कोल्हापूर अशा सुद्धा सभा होत, आणि महाविकास आघाडीच्या या उभारणीमध्ये माननीय पवार साहेबांचा फार महत्त्वाचा वाटा। आम्ही सगळे आहोत, उद्धवजी आहेत, राहुल गांधी असतील, पण शरद पवार साहेबांचं महत्त्व याच्यामध्ये आहे आणि ते राहणार। आणि शरद पवार साहेबांची इच्छा आहे पहिल्यापासूनच आपण तिघांनी एकत्र राहिलो तर 2024 साली आपण भारतीय जनता पक्षाचा पराभव आणि लोकसभा सुद्धा मोठ्या संख्येने जिंकतो। हे पवार साहेबांच्या भूमिका आहेत आणि मला अजिबात असं वाटत नाही की महाविकास आघाडी संदर्भात त्यांची अशी काही भूमिका असेल, कारण मी सातत्यानं त्यांच्याशी चर्चा करत असतो, आम्ही सगळे चर्चा करत असतो। आत्ताच थोड्या वेळाबरोबर त्यांच्याशी बोललेलो आहे आणि माझा त्यांच्या बोलण्यातून किंवा त्यांच्या एकंदरीत ज्या आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। ओल्ड पेंशन पर आ गई बड़ी खुशखबरी, सरकार वापस लेगी अपना फैसला, जाने कब लागू होगी OPS। देश भर में इस समय पुरानी पेंशन योजना को लेकर जंग छिड़ी हुई है। राज्यों के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लगातार कर रहे हैं। इस समय देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो चुकी है, वहीं अब ओल्ड पेंशन पर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि जिन भी राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो चुकी है वहां पर राज्य सरकारें NPS का पैसा वापस मांग रही है, लेकिन मोदी सरकार ने इस पैसे को देने से साफ मना कर दिया। केंद्र सरकार ने किया साफ इनकार। आपको बता दें कि इस समय राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इस समय ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा मनाने
लगी है। यह एक प्रमुख चुनावी मुद्दा इस समय बन गया है। राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को अप्रैल 2023 में बहाल कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने एनपीएस पर विचार करने से साफ मना कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से होता है 10% जमा। बता दें कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और महंगाई भत्ते का 10% राज्य सरकार की तरफ से जमा किया जाता है। राजस्थान में ओपीएस के 524,072 ओपीएस अकाउंट है। इनमें सरकार की तरफ से 14,171 करोड़ और कर्मचारियों की तरफ से 14,137 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। अगर इसमें ब्याज की राशि को जोड़ा जाए तो यह पैसा 40,157 करोड़ रुपए होता है। राज्य सरकार की तरफ से 19 मई 2022 को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि कर्मचारियों को एनपीएस के अंशदान को ब्याज समेत राज्य सरकार को लौटाना होगा। नई पेंशन योजना में बदलाव की तैयारी। बता दें कि सरकार ने राज्य सरकार को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है, तो राज्य सरकार नोटिफिकेशन में बदलाव करने का प्लान कर रही है। वही केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को फायदा देने के लिए एनपीएस में ही बदलाव करने का प्लान कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।